Hello everyone. Today I am going to discuss about microbes which are related to class 8. Dear student, आज हम लोग microbes के अंतर्गत प्रोटोजोआ को जानेंगे. किसको जानना है? प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ को जानेंगे. Dear student, ये प्रोटोजोआ भी microbes श्रेणी से ही related है, जिसके अंतर्गत अमीबा, परमीशियम, युगलिना इत्यादि आते हैं. तो आज हम बारीकी से प्रोटोजोआ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. The word protozoa means the first animal on this planet. Protozoa को scientific language में संसार का, हमारी पृथ्वी का सबसे पहला जीव माना जाता है. किसको? प्रोटोजोआ को, जिसकी उत्पत्ति आज से करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व हुई, जब हमारी धरती पर किसी तरह के जीव के नामो निशान मौजूद नहीं थे. उस टाइम में इस प्रोटोजोआ का डिराइवेशन हुआ हमारी धरती पर. दीज आर सिंपल minute and unicellular organisms. और इस तरह के जीवों को सिंपल, माइनूट और यूनिसेलुलर, यहां तीन टर्म हमें समझना है. सिंपल सामान्य या साधारण, माइनूट अति सूक्ष्म, और यूनिसेलुलर. जैसा कि हम स्ट्रक्चरल मोड में दो तरह के जीवों का अध्ययन किया था, एक यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टीसेलुलर, तो ये प्रोटोजोआन जो होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं. डियर स्टूडेंट, ये तो प्रोटोजोआ से रिलेटेड उसके कुछ फीचर्स थे. अब हम हैबिटेट को जानेंगे. Habitat. किस परिवेश में ये प्रोटोजोआ सर्वाइव करते हैं? They exist in both fresh water or in marine water. ये दोनों तरह के एक्वाटिक लाइफ को जी सकते हैं. या तो वो फ्रेश वाटर, ताजा शुद्ध जल है, उसमें भी ये जीव सर्वाइवल होता है, या फिर मैरीन वाटर है, या फिर सी वाटर इसको कह सकते हैं, खारे पानी का जल. ये दोनों तरह के जल में ये जीव जो है सो क्या होते हैं? सर्वाइवल होते हैं. साथ ही साथ they also grow in the bodies of other organisms. इतना ही नहीं, ये जल में तो रहते ही है, साथ ही साथ harmfulness के रूप में, हानिकारक जीव के रूप में हमारे शरीर में भी क्या होते हैं? मौजूद होते हैं, और सम टाइम अटेम्प्ट करते हैं हमारे बॉडी पर, और हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को क्या कर देते हैं? खत्म कर देते हैं. ऐसे होते हैं ये प्रोटोजोआ. अब हम देखेंगे इसके साइज और स्ट्रक्चर कैसे होते हैं. साइज एंड स्ट्रक्चर मीन्स अब हम उसके माप को देखेंगे और फिर उसकी बनावट को देखेंगे. दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
एंड दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइजेज, शेप्स एंड साइजेज. Shapes and sizes. The sizes varies from 2 to 200 microns. और इसकी sizes जो होते हैं, माप जो होती है, वो प्रायः 2 माइक्रोन से लेकर के और 200 माइक्रोन तक, 200 माइक्रोन तक की इसके साइज को मापा जा चुका है. कहने का मतलब है ये अत्यंत सूक्ष्म अवस्था में 2 माइक्रोन तक के लिमिटेशन को पार करता है और वहीं फिर या तो 200 माइक्रोन के लिमिटेशन को वो पार करता है. कहने का मतलब है मिनिमाइज किया हुआ है फ्रॉम 2 to 200 माइक्रोन के बीच में इसका साइज जो है सो वेरिएबल है. हमेशा ये कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है. अब हम इसके न्यूट्रिशन को देखेंगे जो किस तरह से ये पोषण प्राप्त करते हैं. डियर स्टूडेंट थोड़ा देख लेते हैं सम कॉमन काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआर, अमीबा, इवलीना, पारामीशियम इटीसी. ये कुछ एक प्रकार हैं प्रोटोजोआ के जिसमें हमने अमीबा को देखा, इवलीना को देखा, पारामीशियम को देखा और भी बहुत सारे हैं क्या कहते हैं प्रोटोजोआ जो कि इस धरती पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं वो हमारी जिंदगी को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं. अब हम इसके न्यूट्रिशनल मोड को देखेंगे जो किस तरह से ये प्रोटोजोआ जो है सो न्यूट्रिशन या पोषण को अपने सराउंडिंग से प्राप्त करते हैं. न्यूट्रिशन, अब इनके पोषण प्राप्त करने की विधियों को देखेंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस तरह के जीव जो प्रोटोजोआ फैमिली से रिलेटेड हैं, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन को धारण करते हैं, अलग अलग मोड से अपने भोज्य पदार्थों को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं. सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ पॉजेज होलोजोइक मोड. एनिमल लाइक सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ पॉजेज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन फॉर एग्जाम्पल अमीबा जो आपका वो ऑर्गेनिज्म है जैसे हम मनुष्य इंजेशन डाइजेशन एसिमुलेशन एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन के थ्रू होलोजोइक मोड को संपन्न करते हैं, वैसे ही ये जीव भी कुछ एक जीव जिसमें अमीबा का नाम सर्वप्रथम अग्रणी है, ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपने भोज्य पदार्थों को, अपने भोजन को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं. Some kinds of protozoa possess holophytic
होलोफिटिक मोड। होलोफिटिक मोड से मतलब है प्लांट लाइक, प्लांट लाइक ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल इवलीना, इवलीना जो है वो आपका होलोफिटिक मोड मतलब प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक मोड की तरह जो है सो अपने भोज्य पदार्थों को क्या करता है, प्राप्त करता है। सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ, सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ लिव सिंबायोटिकली विथ ईच अदर। वही कुछ एक प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सिंबायोटिकली सहभोजी संबंध बना करके तुम हमसे लाभ प्राप्त करो और हम तुमसे लाभ प्राप्त करते हैं, इस तरह के जो रिलेशनशिप बनते हैं वो सिंबायोसिस रिलेशनशिप कहलाते हैं या सिंबायोटिकली बेनिफिटेड होते हैं इस तरह के जीव। तो ये प्रोटोजोआ भी जो होते हैं ये प्रायः होलोजोइक मोड को भी फॉलो करते हैं, होलोफिटिक मोड को भी फॉलो करते हैं, या फिर सिंबायोटिकली दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड विथ ईच अदर फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, या तो फिर वो पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर आश्रित रह करके, हम किसी और पर आश्रित हैं और वो हम पर आश्रित है, इस तरह का जो डिपेंडिंग मोड होता है, निर्भरता होती है, वो भी इस तरह के जीवों में क्या होता है, मौजूद होता है। डियर स्टूडेंट, अब हम इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे, ग्रोथ को देखेंगे कि ये प्रोटोजोआ कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं और कैसे सराउंडिंग में अपने आप का ग्रोथ करते हैं। रिप्रोडक्शन, अब हम लोग रिप्रोडक्शन को देखेंगे जिसको हम प्रजनन कहते हैं। ये प्रोटोजोआ अपने जेनेटिक फेज को कैसे बढ़ाता है उसको देखेंगे। दीज ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस मेनली थ्रू बाइनरी फ्यूजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन, ये तीन तरह से ये जीव तीन मोड में जो है सो अपना रिप्रोडक्शन की क्रिया को करता है, जिसमें हमारा है पहला बाइनरी फ्यूजन जिसको हम लोग द्विखंडन की क्रिया कहते हैं। इसमें अपने आप जो है सेल स्प्लिट्स कर जाता है दो भागों में और उससे दो नए संततियों का निर्माण होता है। फिर वो दो जीव फेवरेबल कंडीशन प्राप्त करने के बाद फिर हर एक का न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाता है और फिर उससे नए संततियों को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। बर्डिंग जिसको हम मुकुलन कहते हैं ये हाइड्रा में सबसे प्रचलित है रिप्रोडक्शन फेज और ये प्रोटोजोआ में भी क्या है, मौजूद होते हैं। दूसरा है स्पोर फॉर्मेशन, बीजाणुओं के द्वारा रिप्रोडक्शन जो किया जाता है सच मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज रेफर्ड एज स्पोर फॉर्मेशन और ये रिप्रोडक्शन फेज भी प्रोटोजोआ में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से प्रोटोजोआ हमारे लिए लाभकारक हैं और कौन कौन से प्रोटोजोआ हमारे लिए हानिकारक हैं। तो अब देखेंगे कुछ यूजफुल प्रोटोजोआ जो हमारे सराउंडिंग्स में मौजूद हैं और किस तरह से हम मनुष्यों को, हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मदद करते हैं, उस फैक्ट्स को देखेंगे। सम यूजफुल प्रोटोजोआ, सम यूजफुल प्रोटोजोआ, सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ, हेल्प अस
इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट एंड सीवेज। हम लोग जो अपने यहाँ सेफ्टी टैंक या फिर शौचालय बनवाते हैं और शौचालय में बहुत सारे सॉलिड फेसेस जमा होते रहते हैं, लेकिन आश्चर्य कुछ दिनों के बाद जब हम टैंक को उठा करके देखेंगे तो हमको उसमें किसी प्रकार के वो सॉलिड फेसेस प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या बता सकते हैं कि वो सॉलिड फेसेस एक्चुअली में कहाँ चला जाता है? डियर स्टूडेंट, यहाँ देखना है कि सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ हेल्प अस इन द फाइनल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्टेज एंड सीवेज। और हम यहाँ देख सकते हैं कि उसको डिग्रेड करने में उस वेस्टेज को या फिर सीवेज को, मल जल को निस्सरित या निकालने में इस प्रोटोजोआ का अहम योगदान होता है, क्योंकि यही उसको डिकम्पोज करके मिट्टी में क्या कर देता है, बदल देता है। फिर हम दूसरे टाइप्स को देखेंगे, सम काइंड ऑफ प्रोटोजोआ, सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ मेक एन इंपॉर्टेंट लिंक फॉर एन एक्वाटिक फूड चेन, जलीय आहार श्रृंखला के निर्माण में। जल के अंदर में जो भी आहार श्रृंखला या फूड चेन चलती है उसको बनाने में इस प्रोटोजोआ का अहम योगदान होता है, नहीं तो एक्वाटिक लाइफ पूरी तरह विध्वंस हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी और वातावरण से उसका अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ एक यूजफुल प्रोटोजोआ थे जो हमें मदद करती है इस सराउंडिंग्स में। अब हम कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया प्रोटोजोआ को देखेंगे। हार्मफुल ए काइंड ऑफ प्रोटोजोआ लाइक अमीबा, काउजेज, ब्लीडिंग एंड डायरिया इनह्यूमेंस एंड कॉल्ड अमोइबिक डिसेंटरी। प्रायः हम लोग सूल या पेचिश से प्रायः डिस्टर्ब रहते हैं। हमारे पेट से जो है वो ब्लीडिंग या फिर पतला दस्त की तरह लेट्रिन होना शुरू हो जाता है, जो कि हम लोग समझते हैं जो वो हमारे शरीर में अनडाइजेशन हुआ फूड का, इसके चलते हो रहा है। तो ये दिमाग से आज निकाल देना है कि उस तरह के डिसेंट्री या पेचिश या सूल के लिए प्रोटोजोआ ही तैयार होते हैं। ये स्पेशली जो है सो नदी के जल में मौजूद होता है, स्टील वाटर में मौजूद होता है। अगर ज्यादातर कोई व्यक्ति नदी में जाकर के स्नान करता है तो फिर उस व्यक्ति में इस तरह के अमीबिक डिसेंट्री होने का चांस ज्यादा रहता है। इसलिए आप हम ट्यूबवेल पर ही स्नान करें, इट विल बी बेटर फॉर आवर हेल्थ। अगर हम नदी तालाब पोखरा में जाते हैं नहाने के लिए तो थोड़ा सावधान रहेंगे, क्योंकि इस तरह के डिजीजेज उसी तरह के जल से प्राप्त होते हैं। हम एक और काइंड देखेंगे प्रोटोजोआ को, जो बहुत सारे जीव जंतुओं, ह्यूमन बीइंग्स इत्यादि में भी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से वो मशहूर है, उसको देखेंगे। सम काइंड्स ऑफ प्रोटोजोआ काउजेज और डिजीज कॉल्ड अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस।
सिकनेस। और कुछ एक ऐसे भी प्रोटोजोआ के प्रकार होते हैं जो हम मनुष्यों में, हम सभी जीवधारी प्राणियों में, एनिमल्स में, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये एक प्रकार की नींद की बीमारी होती है, आधा अधूरा नींद, जब हमारा बॉडी कंप्लीटली पूरी तरह से नींद को प्राप्त नहीं कर पाता है तो फिर हमारा शरीर बीमार होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और सच डिजीज इज रेफर्ड एज अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और इस तरह की बीमारी को हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जानते हैं, जो कम्प्लीटली हार्मफुल प्रोटोजोआ के द्वारा ही फैलाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इसी के साथ आज का ये टॉपिक समाप्त हो रहा है। हम अब इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में अल्गेई के बारे में डिटेल करेंगे, उसके फीचर्स, हैबिटेट के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।